कपिल शर्मा शो कभी विवाद के चलते बंद हो जाता है तो कभी कोरोना की बीमारी के चलते बंद हो जाता है, और जब भी बंद होता है कपिल शर्मा को करोड़ों का नुकसान होता है। चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे सलमान खान और चाहे चैनल, इन्हें करोड़ों का नुकसान होता है। अब बात फिर से आ रही है कि कपिल शर्मा का शो बंद हो गया है। 28 दिसंबर को इसकी लास्ट शूटिंग हुई है और ऐसी बात कही जा रही है कि एक हफ्ते के लिए बंद किया गया है ओमिक्रॉन वायरस के चलते। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है कि ओमिक्रॉन जिसकी बात की जा रही है कि उसका पीक जो है वो मार्च महीने के शुरुआत में आएगा, और जब आएगा तो 2-3 महीने तो ऐसे ही खा जाएगा। तो आप ये मानकर चले कि कपिल शर्मा का शो अगले 6 महीने के लिए बंद हो गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि क्रू मेंबर्स, जो भी कपिल शर्मा के स्टाफ हैं, जो भी कलाकार हैं, इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। देखिए, ये फैसला लेने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कपिल शर्मा के शो का जो थीम है, यहाँ पर बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं ये अपनी अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए आते हैं, और इस वक्त देखा जा रहा है कि कभी करण जौहर की पार्टी से तो कभी करीना और करिश्मा की पार्टी से, कोरोना जो है वो आधी से ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोरोना का शिकार बना चुका है। और ऐसे में ये लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई ना कोई पार्टी इनकी चलते रहती है, तो वहां से वो सेलिब्रिटी जब इनके शो में आएगा तो कोरोना तो फैलाएगा ही, तो टीम जो है वो कोरोना का शिकार हो जाएगी। अभी तक कपिल शर्मा की जो पूरी टीम है वो कोरोना से बची हुई है, लेकिन इस तरह से मिलना जुलना होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा तो कोरोना का शिकार बन सकते हैं। इसी वजह से शो को कैंसिल कर दिया गया है, इसकी शूटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कपिल शर्मा, सलमान खान और चैनल, इन्हें करोड़ों का नुकसान होने वाला है। जो भी प्रमोशन के लिए आते थे, पैसे वगैरह मिलते थे, और जो भी एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिलते हैं, जो भी तरीके हैं पैसे कमाने के, ये सब अगले 6 महीने के लिए फिर से रुक जाए, क्योंकि क्योंकि ओमिक्रॉन जो है जब आएगा तो ये भयंकर तबाही मचाएगा कि नहीं मचाएगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा खतरे वाला नहीं है, लोग ठीक हो जाएंगे। उधर से WHO बैठा हुआ है, वो जब भी आता है तब भी एक वार्निंग देकर जाता है कि नहीं, ये बहुत सारी जान लेगा, तो किसकी माने किसकी ना माने, जब आएगा तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि ओमिक्रॉन से कितना खतरा।